बुद्धिर ज्ञानम असम्मोह क्षमा सत्यम दमह शमह सुखम दुखम भवो अभावो भयम च अभयम एव च। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के 10वें अध्याय का 4था श्लोक है, जिसे हम आज शाब्दिक रूप से समझेंगे, क्योंकि इसका जो संपूर्ण भावार्थ है उसे हम केवल तभी समझ सकते हैं जब हम 4थे और 5वें दोनों श्लोकों को एक साथ में समझें। तो आज के वीडियो में हम केवल इसके शाब्दिक अर्थ को समझेंगे। तो ये जो श्लोक है वो कहता है, बुद्धिर ज्ञानम असम्मोह, अर्थात बुद्धि ज्ञान मन की स्पष्टता, क्षमा सत्यम दमह शमह, अर्थात क्षमा सत्य आत्मसंयम शांति, सुखम दुखम भवो अभावो, अर्थात सुख दुख होने न होने को, भयम च अभयम एव च, अर्थात भय और अभय को भी। तो श्री कृष्ण यहाँ पर कुछ भाव हैं जिनको कि बता रहे हैं, और वो इस श्लोक में कुछ भावों को बताते हैं और अगले श्लोक में कुछ अन्य और भावों को बताएंगे, और फिर वो बोलेंगे कि ये जो सारे भाव हैं ये मेरे द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ भाव जो हैं उनको देखा, अगले श्लोक में कुछ अन्य भाव और होंगे, और इन दोनों श्लोकों को मिल करके मैं आपको अगले श्लोक में इस 4 और 5 जो श्लोक हैं इन दोनों के जो संयुक्त इसका अर्थ है उसको आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर हमने केवल इतना ही समझा, इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। नमस्ते।